नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दोपहर के 2 बज चुके हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए इस समय वोटिंग चल रही है। दोपहर 1 बजे तक महाराष्ट्र में 26.07% मतदान हुआ, जबकि हरियाणा में वोटिंग का प्रतिशत रहा 34.88%। तो महाराष्ट्र में नेता हूं या अभिनेता, कोई भी वोट डालने में पीछे नहीं। हालांकि वोटिंग की रफ्तार यहां पर थोड़ी सुस्त जरूर रही, जरूर देखने को मिली है। 1 बजे तक 34.9% यानी कि लगभग 35% तक वोटिंग हुई है। और महाराष्ट्र में बॉलीवुड के सितारे आज काफ़ी जोश में थे, सभी वोट डालने के लिए अपने अपने घरों से बाहर निकले। न सिर्फ इन लोगों ने वोट डाला बल्कि लोगों से मतदान करने की अपील भी की। सब अपने परिवार के साथ, पति पत्नी के साथ वोट डालने के लिए आए, लोगों से मतदान करने की उन्होंने अपील की। क्रिकेटर हो या एक्टर हो, यानी कि सचिन तेंदुलकर, ऋतिक रोशन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ऋतिक रोशन की वॉर फिल्म अभी हाल ही में आई है रिलीज़, काफ़ी कामयाब फिल्म रही है। ऋतिक रोशन भी वोट डालने के लिए पहुंचे कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बॉलीवुड का काफ़ी जोश देखने के लिए मिला इस मतदान के दौरान। बॉलीवुड के तमाम सितारे बाहर निकले और उन्होंने मतदान किया। लेकिन क्या मैसेज दिया? लगभग सभी ने कहा, सभी ने मुंबई कर और महाराष्ट्र वासियों से वोट करने की अपील की। सुनिए। It's very important not only for me but for every Indian who is legally allowed to vote. Please go and vote. Make this day count. It's our democracy. हमारे साथ है विवेक ओबरॉय जो इस वक्त जू के इस पोलिंग बूथ से वोट करके निकले। विवेक, बताइए कि बस 4-5 महीने बाद ये चुनाव हो रहे हैं विधानसभा और जोश बड़ा ठंडा दिख रहा है, क्या वजह लग रही है आपको? मुझे कोई ऐसी वजह नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि वोटिंग नंबर्स शाम तक बढ़ेंगे, लोग आएंगे, निकलेंगे और भारी तादाद में वोटिंग करेंगे। यंगस्टर्स थोड़े बदमाश होते हैं, उनको लगता है कि सुबह सुबह लाइन ज़्यादा रहती है, तो हम थोड़ा दोपहर में जाएंगे, लाइन कम हो जाएगी। लेकिन सभी यंगस्टर्स को यही अपील करना चाहूँगा यार कि यू नो, हम लोग हमेशा सोशल मीडिया पर कंप्लेंट करते रहते हैं कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए देश, पर यही मौका है, आज ही मौका है कि इस देश को बदलना है तो आप आइए और इस चेंज का एक हिस्सा बने, भाग लें। और जो चीज़ें गवर्नमेंट अच्छी कर रही है, सरकार अच्छी कर रही है, उन चीज़ों को सराहना भी बहुत ज़रूरी है। वोटिंग करना इसलिए बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, जिस तरह से खाना पीना, सांसें लेना, जिस तरह से ये सब ज़रूरी हैं, इस तरह से ऐसी व्यवस्था में हम रहते हैं जिसका नाम है लोकतंत्र, प्रजातंत्र, उसके लिए वोटिंग करना परम आवश्यक है। इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ज़िंदगी में हम गुस्सा तो करते हैं जब कुछ अव्यवस्थित देखते हैं, लेकिन तब जब एक दिन आता है हमें चुनने को कि किस इंसान को हम चुनें, तो वो हम दिन अगर आलस कर जाएं तो ठीक नहीं है। तो ये हमारे राज्य के इलेक्शंस हैं, तो उस हिसाब से जो हमारे सामने जो मुझे लगा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मद्देनज़र रख के मैंने वोट दिया है। और मैं सभी को अपील करूँगा कि सब लोग आएँ और भारी तादाद में वोटिंग हो, हर आदमी जो है महाराष्ट्र का वो अपना मतदान करे। क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? मैं सारे जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि सब लोग आए और वोट देने के लिए आए और अपना हक जताएं। हम सबके की एक ही एक्चुअली उम्मीद है कि हमारा कोई भी सरकार होती है उससे शिकायत ही करते रहते हैं, लेकिन हमारे देश में जो अच्छा है उसको ध्यान नहीं देते। हमारे देश में अच्छा है हमारा संविधान और हमारे पास एक जो नागरिक है उसके पास वोट देने की का अधिकार है। ये कितने मुल्कों में है, अगर एशिया में देखिएगा तो बड़े कम मुल्क मिलेंगे, और जहां वो है भी तो कहने को ये फौज हुकूमत कर रही है, बाकी वोट वोट तो ऐसे ही ऊपर से होता रहता। हमारे यहां सचमुच डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, जिसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। तो जिस तरह हम सरकार से कहते हैं, अपोजिशन से कहते हैं कि वो अपना रोल निभाए, तो नागरिक का भी कर्तव्य है कि वो अपना रोल निभाए और उसका कर्तव्य है कि वो वोट दे आके। कश्मीर के मुद्दे पर ही ज्यादातर बात हुई, विधानसभा चुनाव होने के बावजूद स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा बात या ज्यादा प्रचार नहीं हो पाया, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये आपकी मर्जी है, उनकी मर्जी है, जिस विषय पर वो बात करना चाहे उनका राइट है। आप ये नहीं कह सकती इस विषय पर मत बोलिए, वो जिस विषय पर बोले। आप किस विषय पर सोचती हैं ये आपकी मर्जी है, आप किस विषय पर वोट देंगी ये आपकी मर्जी है। जो नेता खड़ा हुआ स्टेज पे वो किस विषय पे बोलना चाहता है वो उसकी मर्जी है। ये दुख की बात है, दुख की बात है। अपील क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि ग्रीक में इडियट का एक मतलब ये है कि जो आदमी वोट ना दे, ग्रीक लैंग्वेज में।
बस इतना ही कहूँ। देखिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि एमएलए का जो चुनाव है वो एमपी के चुनाव से अलग होता है, मुख्तलिफ होता है। आम तौर पर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते, तो जो लोकल इश्यूज हैं वो लोकल इश्यूज आगे कौन सबसे बेहतर बढ़ाएगा ये चुनाव हमको अरे हो गया। एक बाइट है, बाइट है, कोई खत्म ही नहीं हो रही तुम्हारी बाइट। तमाम बॉलीवुड के जो सितारे हैं वो न सिर्फ वोट डालने निकले बल्कि उन्होंने वोट की अपील भी की। आमिर खान अपनी पत्नी के साथ हैं, लेकिन उधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव महासंग्राम में अपना वोट डालने मुंबई पहुंची। स्मृति ईरानी की वोटिंग के दौरान एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिला। ये जो बुजुर्ग हैं, देखिए जैसे ही वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंची, 93 साल के बुजुर्ग उनसे आए और गपशप करने लगे। स्मृति ईरानी को ये बुजुर्ग मिले, उन्होंने रोक लिया, बहुत आत्मीयता से मिले, गले लगा लिया, कहने लगे अपने घर के लिए फल ले जा रहे थे लेकिन वो फल उन्होंने स्मृति ईरानी को भेंट कर दिए। स्मृति ईरानी जी ने मना भी किया लेकिन कहा कि नहीं, ये आपके लिए हैं। ये देखिए जो हाथ में आप स्मृति ईरानी के फलों की थैली देख रहे हैं वो ये बुजुर्ग अपने घर के लिए ले जा रहे थे, खुश हो गए। और उसके बाद कहते हैं कि आप अमेठी क्यों चले गई, सुनिए आप। वहीं मुंबई में कई राजनीतिक हस्तियों ने अपने अपने वोट डाले। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, संघ प्रमुख मोहन भागवत, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, अजीत पवार, सभी ने वोटिंग में हिस्सा लिया और इस वक्त लगभग 39% वोटिंग हो चुकी है। अभी मैंने मेरे परिवार के साथ वोटिंग किया है। लोकतंत्र का ये महोत्सव महाराष्ट्र की विधानसभा के निमित्त से हमको दिखाई पड़ रहा है और मेरी जनता से अपील है कि सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले। हम किसको भी वोट दें पर उसके साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि नोटा में ना डालें, क्योंकि कोई भी लोकतंत्र में हम जो एक व्यक्ति उसको एक उम्मीदवार अच्छा लगता है दूसरे को बुरा लगता है। हमने व्यक्ति और पार्टी दोनों के आधार पर मूल्यांकन करके जो सबसे अच्छा है उसको वोट देना चाहिए और ऐसा करते करते ही लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन होगा और ये लोकतंत्र मजबूत होगा। तो मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत जिम्मेदार है, विचार करके वोट करेगी और निश्चित रूप से वोट फॉर डेवलपमेंट करेगी, वोट फॉर फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री उसके लिए करेगी। मुझे पूरा विश्वास है लोकसभा जैसा इस बार भी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना रिपब्लिकन पार्टी अलायंस को भारी बहुमत मिलेगा। मतदाता का कर्तव्य है प्रतिनिधियों को चुनना, क्योंकि सारा देश चलाने का तंत्र इस चुनाव के कारण बनता है। इसलिए ये चुनाव महत्व के और दूसरे महत्व के ऐसा नहीं, जहाँ जहाँ मतदाता को मतदान करना है वहाँ वहाँ वो चुनाव मतदाता के लिए महत्वपूर्ण होता है और इस मतदान में इसी भाव से सबने मतदान करना चाहिए, 100% मतदान होना चाहिए। हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वोट डाला तो नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। मेरी जनता से अपील है कि सभी लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें। मैं ऐसा मानता हूं कि लोकतंत्र में हम जिनको चुनते हैं उनसे अपेक्षाएं भी रखते हैं, हमारी आशाएं आकांक्षाएं भी उनसे जुड़ी होती है और सभी को ये अपेक्षाएं रखने का अधिकार है, लेकिन जो वोट करते हैं उनको ये अधिकार अधिक है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि सभी लोग लोकतंत्र में
सहभागी हुए और मतदान करें, यही मेरी सबसे अपील है। कुल मिलाकर के हमारा जो टारगेट है वो पूरा होगा और जनता जो उत्साह में है, 20% वोटिंग हो गई है। शाम तक मुझे लगता है जो पिछली बार का 76 का जो आंकड़ा था उसे पार करेंगे। 75 का टारगेट आपने दिया और 76 मतदान का परसेंटेज है, कौन सा आपको सबसे ज्यादा सूट कर रहा है? देखिए, ये तो टारगेट आपके साथ दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। अगर 70% से भी ऊपर मतदान होता है तो एक अच्छा मतदान है। जनता को मैं अभी भी अपील करता हूं कि अपने घरों से निकल करके ज्यादा ज्यादा वोट करें। चुनावी मैदान में सावरकर पर घमासान भी मचा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने वोट डालने के बाद सावरकर का जिक्र किया तो संघ में दूसरे नंबर के नेता भैयाजी जोशी ने भी सावरकर पर सवाल पर यह कहा कि क्यों नहीं मिलना चाहिए, सावरकर को भारत रत्न बिल्कुल मिलना चाहिए। कांग्रेस जो है वो सावरकर के बहाने बहुत निशाना साध रही है संघ पर, क्या कहना है? अरे हम निशाना में रहने की हमको आदत है भैया, 90 साल की, तो इसलिए वो कोई चिंता नहीं। राजनीति है, उसमें ये चलता है सब। समाज तो एक है, हमेशा एक रहने वाला है। इन चुनावों में 370 का मुद्दा, सावरकर का मुद्दा यही छाया रहा है। अपोजिशन का कहना है कि राज्य के जो प्रेसिंग मुद्दे थे उनकी तो बात ही नहीं हुई है, लोगों का ध्यान बिल्कुल भ्रमित कर दिया गया है, इससे आम जनता कष्ट नहीं रहेगी। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि लोगों का ध्यान केवल उसी की ओर आकर्षित किया है, राज्यों के तो हम देख रहे हैं, सब विकास की बात भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कई मंचों पर, अमित शाह ने खुद कहा 370 राष्ट्रवाद का मुद्दा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन्होंने जो किया है वो सब बता रहे हैं सबको। सावरकर को भारत रत्न मिले ये सबसे बड़ी मांग रही है, आपका क्या इसमें व्यू है? हम कहते हैं कि क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो महाराष्ट्र में दोपहर 1 बजे तक 26.7% वोट डाले जा चुके थे। सुबह रफ्तार थोड़ी सुस्त रही लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा वैसे वैसे रफ्तार तेज हो रही है। हरियाणा आगे है, 1 बजे तक 34.9, लगभग 35% मतदान हरियाणा में हो चुका है।